आइए 9 सेकंड न्यूज में दिल्ली में हुए बेसमेंट हादसे की जो अपडेट है वो आपके सामने रखते हैं। दिल्ली के बेसमेंट में चलने वाली कोचिंग सेंटर्स पर एमसीडी की कार्रवाई, 34 कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया। सबसे ज्यादा वेस्ट जोन में मिले बेसमेंट में चलने वाले 23 कोचिंग संस्थान। दिल्ली की कोचिंग में छात्रों की मौत का मामला, जहां आरोपी एसयूवी मालिक मनोज कथूरिया को राहत मिली है, 30,000 कोर्ट ने जमानत दी है। दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन जारी है, प्रदर्शन स्थल पर मृत छात्रों के परिजन पहुंचे, रिश्तेदार पहुंचे, कहा कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जानकारी नहीं दी, छात्रों के परिजनों के लिए मांगा 5 करोड़ का मुआवजा। दिल्ली में मृतक छात्रों के नाम पर बनेगी 4 लाइब्रेरी, मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा मौत की क्षति पूरी नहीं कर सकते लेकिन सार्वजनिक पढ़ाई के लिए स्थानों को ठीक करने की कोशिश जरूर होगी। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने कहा सरकार को बनाना चाहिए कोचिंग एक्ट, पुराने कानून में संशोधन होना चाहिए, कोचिंग फीस को लेकर भी नियम होने चाहिए। दिल्ली सरकार की कोचिंग संस्थान हॉस्टल्स को लेकर कानून बनाने की तैयारी, आप नेता संजय सिंह ने कहा 10 छात्रों का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली सरकार की मदद करे। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का दावा, एमसीडी के लिए वित्त मंत्री रहने के दौरान मनीष सिसोदिया ने फंड मांगा था, आतिशी और मैंने भी चिट्ठी लिखी थी, मनोज तिवारी ने भी फंड दिलाने का वादा किया था लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्या है पॉलिटिकल अपडेट, राजनीति की दुनिया में क्या चल रहा है, चलिए जान लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का बड़ा दावा, कहा मेरे खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग चल रही है, जाहिर है इन दो में एक को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया, बाहें फैलाकर कर रहा हूं ईडी का इंतजार। आज संसद के दोनों सदनों में आम बजट पर चर्चा होनी है, आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किए गए कामों की जानकारी देंगे, इसके साथ पेश करेंगे आगे की योजना। आज दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है और आज आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की भी मीटिंग होनी है, शाम 6 बजे ये बैठक होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जल्द ही 4 ट्रेन जनरल कोच का स्टैंडर्ड कंपोजिशन होगा, सस्ती यात्रा को ध्यान में रखते हुए 5 महीने पहले शुरू हुई अमृत भारत ट्रेन। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा पिछले 2 महीने में 4 मालगाड़ियां पटरी से उतरी हैं, 14 लोगों की मौत हुई है, कई और हादसे हुए हैं, रेल मंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी लेने के बजाय विपक्ष को धमकाने की कोशिश की। जेडीयू सांसद देवेश चंद ठाकुर ने अपने ही गठबंधन पर गंभीर आरोप लगाए, कहा लोकसभा चुनाव में जेडीयू बीजेपी हमारे साथ थी या हमारे पीछे ये मालूम नहीं, क्षेत्र में किए काम से जीत मिली। आज झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का अंतिम दिन है, मौजूदा हेमंत सरकार के कार्यकाल का अंतिम सत्र विधानसभा में, बीते 2 दिन से जारी है गतिरोध। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दावा किया, कहा पार्टी के बढ़ते प्रभाव से घबरा गए हेमंत सोरेन, विधानसभा में दबाई जा रही है आवाज। झारखंड बीजेपी प्रभारी हेमंता बिस्वा सरमा का हेमंत सरकार पर निशाना, कहा कि 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों ने जमीन पर कब्जा किया, स्थानीय प्रशासन पर पीड़ित की मदद नहीं करने का आरोप लगाया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का विपक्ष पर पलटवार, कहा यहां के नेता निष्क्रिय हो गए हैं इसीलिए रिचार्ज के लिए बाहरी नेताओं को बुला रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी हटाने की मांग की, एक्स पर पोस्ट करके लिखा आम आदमी की मूलभूत जरूरतों पर सीधा असर पड़ता है, मांग नहीं मानी तो आंदोलन होगा। बीजेपी विधायक ने सीएम योगी के विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उन्नाव से विधायक हैं अनिल सिंह, इन्होंने चिट्ठी लिखी, कहा करप्शन में पराकाष्ठा को लांग रहे हैं कर्मचारी, निलंबित कर आय से अधिक संपत्ति की जांच कराई जाए। विधानसभा में सीएम योगी ने अराजक तत्वों को चेतावनी दी, कहा महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च, महिलाओं से बदतमीजी करने वालों पर सद्भावना नहीं बुलेट ट्रेन चलाएंगे। यूपी सीएम योगी ने किस्सा सुनाकर विपक्ष पर निशाना साधा, कहा एसपी और कांग्रेस बार बार खटाखट योजना के जरिए जनता को धोखा नहीं दे सकती। यूपी विधानसभा में फंस सकता है नजूल संपत्ति विधेयक, विधान परिषद ने प्रवर समिति के पास भेजा, खुद भूपेंद्र चौधरी ने विधान परिषद में यह प्रस्ताव रखा था। नजूल जमीन विधेयक को लेकर के अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट, बीजेपी के कुछ लोगों के निजी फायदे के लिए लाया गया यह विधेयक, आसपास की जमीन हड़पने की है कोशिश।
बीजेपी के सहयोगी दल के नेता अनुप्रिया पटेल ने भी विधेयक को गैर जरूरी और जनता की भावना के खिलाफ बताया। यूपी सरकार से विधेयक वापस लेने की मांग की। नजूल विधेयक को लेकर के प्रयागराज में लोग परेशान हैं। कहा कि दो विधायकों ने भी इस कानून का विरोध किया। नजूल की जमीन पर बसा है करीब एक तिहाई शहर। आज से राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में होने वाला पहला राज्यपालों का सम्मेलन शुरू होगा। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल होंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।